अगर आप शिट्ज़ू डॉग के नए नए मालिक बने हैं या फिर इस डॉग को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए खास हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शिट्ज़ू डॉग के बारे में 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, शिट्ज़ू बहुत ही खुश मिजाज और फैमिली डॉग होते हैं। क्यूट और ब्यूटीफुल दिखने के साथ साथ ये कुत्ता बहुत अलर्ट होता है और अपने मालिक के ऊपर आने वाले किसी भी खतरे को अच्छे से भांप लेता है। हालांकि ये उसकी सेफ्टी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा होता है और इसके नाखून और जबड़े जर्मन शेफर्ड या गोल्डन रिट्रीवर की तरह मजबूत नहीं होते, लेकिन फिर भी ये आपको अलर्ट करने में हेल्प करेगा क्योंकि ये कुत्ता बहुत ही प्यारा होता है, इसलिए इसे शुरुआत से ही फैमिली डॉग के पर्पज से पाला गया है। नंबर 9, आपने लोगों के पास अलग अलग ब्रीड के शिट्ज़ू डॉग देखे होंगे। ये डॉग दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं। इन्हें देखकर तो बस इन्हें गोद में उठाकर खेलने का मन करता है, लेकिन क्या आपको पता है शिट्ज़ू नाम का मीनिंग क्या होता है और इनका नाम शिट्ज़ू ही क्यों पड़ा? तो हम आपको बता दें कि शिट्ज़ू का मीनिंग होता है लिटिल लॉयन। शुरुआत में जब कुछ बुद्धिस्ट और लामास ने शिट्ज़ू को पाला था तो इन्हें इस तरह रखा गया था कि एक छोटे शेर की तरह दिख सके, इसलिए इनका नाम शिट्ज़ू रखा गया जो कि एक मेडेलियन फ्रेज है जिसका मतलब छोटा शेर होता है। नंबर 8, अगर आप शिट्ज़ू को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसलिए आपको इस बात का पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने कुत्ते को कितना टाइम दे सकते हैं। शिट्ज़ू घर पर अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसे हमेशा अपने ओनर के आसपास रहना ही अच्छा लगता है। नंबर 7, क्या आपको पता है शिट्ज़ू डॉग दुनिया के सबसे पुराने कुत्तों में से एक है और इनका ओरिजिन चीन के उस पार्ट में हुआ था जिसे आज लोग तिब्बत के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इनके पूर्वज 1000 BC से भी पुराने हैं। नंबर 6, अगर कुत्तों की ब्रीड हिस्ट्री पर रिसर्च की जाए तो हमें ये पता चलता है कि इन सभी डॉग को किसी न किसी खास पर्पस के लिए पाला जाता था। जैसे जर्मन शेफर्ड को लोग वॉर में फाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, वही लैब्राडोर गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग गार्ड डॉग की तरह यूज किए जाते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिट्ज़ू को लोगों ने किसी खास पर्पस के लिए नहीं केवल कैंपेन के लिए पाला था। इसकी खूबसूरती और क्यूट से चेहरे को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डॉग हंटिंग या गार्ड डॉग बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके नकलची स्वभाव पर तो सब जान छिड़कते हैं। इस डॉग को लव अफेक्शन के साथ साथ अपने ओनर की गोद में रहना पसंद है। नंबर 5, आपने लोगों के पास या फिर सोशल मीडिया पर शिट्ज़ू को व्हाइट या व्हाइट गोल्डन और दूसरे रंगों में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये कुत्ता 14 अलग अलग कलर में मिलता है। कई ब्रीड्स में तो इसकी बॉडी पर छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट बने होते हैं जिसकी वजह से इसे स्टार ऑफ बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको शिट्ज़ू के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, शिट्ज़ू परफेक्ट फैमिली डॉग है। ये आपके छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल खिलौने की तरह खेलता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप शिट्ज़ू को अडॉप्ट कर सकते हो क्योंकि इन्हें बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। ये बहुत ही जेंटल, इनोसेंट और एडेप्टेबल डॉग हैं। इनका क्यूट सा फेस बच्चों को हंसाने के लिए काफी है। कभी कभी तो ये बिल्कुल बच्चों की तरह नकल करने लगते हैं। शिट्ज़ू फुल्ली अपार्टमेंट डॉग है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप इन्हें कहां पर लेकर जाते हो या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हो। इन्हें तो बस अपने ओनर का साथ चाहिए होता है। जहां पर इनका ओनर होगा वहीं पर शिट्ज़ू खुशी खुशी रहेगा। नंबर 3, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन कुत्तों को बड़ी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक छोटे से घर में भी खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं और कंफर्टेबल होकर रहते हैं, इसलिए इनको परफेक्ट हाउस डॉग में भी काउंट किया जाता है। ये बहुत ही शरारती होते हैं। अगर आप इन्हें डेली एक्सरसाइज नहीं कराते हो तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी कमी ये दिन भर उछल कूद करके पूरी कर लेते हैं। हाँ, अगर आप इन्हें अपने साथ बाहर वॉक पर या फिर किसी पार्क में टहलाने के लिए ले जाते हैं तो ये वहाँ पर जाकर और ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो आप अपने डॉग की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इन कुत्तों को ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद होता है। आपने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा होगा शिट्ज़ू कैसे अपने ओनर की गोद में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर जाने में खुश होता है। नंबर 2, शिट्ज़ू का अट्रैक्टिव फेस और स्वीटनेस को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एजिलिटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एजिलिटी कंपटीशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 2014 में इन्होंने एजिलिटी कंपटीशन में एजिलिटी टाइटल और चैंपियन टाइटल अपने नाम किया था।
ऐसा करने वाले ये फर्स्ट डॉग ब्रीड बन गई थी। इस छोटे से प्यारे से दिखने वाले डॉग की मस्कुलर बॉडी होती है, उनके लंबे घने बालों के बीच इनका मस्कुलर शरीर छिपा हुआ है। इन सभी चीजों को देखकर तो एक बात याद आती है कि शिट्ज़ू छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। ये डॉग सेलिब्रिटी के बीच भी बहुत पॉपुलर है, यहाँ तक कि बिल गेट्स, बियॉन्से, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, मैरिया कैरी ने भी शिट्ज़ू डॉग को अडॉप्ट कर रखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर उनके साथ देख सकते हो। नंबर एक, वैसे तो शिट्ज़ू बहुत ही क्यूट, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, जिसे फैमिली डॉग बनाने के लिए ज्यादा कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी आप अपने कुत्ते को और भी ज्यादा इंटेलिजेंट और मैनरफुल बनाने के लिए इसे ट्रेनिंग दे सकते हो, जिसके लिए आपको इसके साथ कंटिन्यू मेहनत करनी होगी और इसे सिखाने में थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। ये छोटा सा कुत्ता आसानी से नहीं सीख सकता, अगर आप इसे थोड़ा वक्त देंगे तो ये जरूर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको शिट्ज़ू के बारे में कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।